सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ आइटम जो हायर सेकेंडरी 12th फिजिक्स का 2022 का जो मॉडल पेपर एमपी बोर्ड के द्वारा जो पोर्टल पे डाला गया है, एमपी बोर्ड पे क्वेश्चन बुकलेट पे, ये जो मॉडल पेपर है ये 2022 का है। इसमें हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों के बहुत कमेंट्स आए मेरे पास कि सर मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया जाए, तो मैं आज हम जो है इस मॉडल पेपर को पूरा हम सॉल्व करेंगे। इसके सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए, निर्देश सब दिए हुए कि 5 से 19 तक में प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए, 1 से 4 तक के जो प्रश्न 7 अंक के होंगे। तो इसमें पैटर्न भी पूरा इसमें दे रखा है और किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्द तक लिखना है और किस टाइप से लिखना है, आज हम ये सब इसमें देखेंगे। तो ये पूरा पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को पालन, इस निर्देशों को पालन, किस तरह से ये निर्देश दिए गए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 × 10^18। ये हमारे पास एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है, जो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब भी गतिमान आवेश की बात आएगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश पूछा जाए केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन गतिमान आवेश यदि पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो दोनों फील्ड उत्पन्न करेगा। तीसरा हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, और यही यदि चुंबकीय क्षेत्र के लिए तीव्रता का मात्रक पूछा जाए तो उसको टेस्ला होता है, और ये सीजीएस मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है दावा कि इसमें से कौन सा संबंध सही होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो प्रकाश का वेग होता है सी, तो ए बटे बी होता है। तो हमारे पास में यहाँ पर ए का मान और बी के मान निकालने, तो ए बराबर क्या जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी इंटू सी, या बी बराबर क्या जाएगा, बी बराबर जाएगा ए बटे सी। तो ए और बी के मान दे रखा है, तो बी का मान ए बटे सी दे रखा है, ए बटे सी होता है ये सही ऑप्शन होगा। और यदि ए का मान बी से देते हैं बी इंटू सी, तो ये भी ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है हमारे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास सही होगा कि बी बराबर ई बटे सी होगा, ई बटे सी। अगला क्वेश्चन से स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस विजन का वैल्यू आई है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान सेंटीमीटर पूछे तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर सेंटीमीटर का उत्तर में देखिए मीटर में दिया है, तो इसमें 100 से हम भाग लगा देंगे, ये मीटर का आंसर आ जाएगा 0.25 मीटर। तो सही ऑप्शन हमारे पास 0.25 मीटर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। समकोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरफ के बीच कालांतर होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। फेज डिफरेंस होता है 0 का होता है, 2π का होता है, 4π का होता है, इस तरह से मल्टीपल इंटीजर्स होता है, इवन जो सम संख्या होता है उसका मल्टीपल इंटीजर्स होता है, या तो 0 होगा, 2π होगा, 4π होगा, यहाँ पर 0 दिया है तो 0 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन संबंध डी ब्रॉग्ली तरंग में, डी ब्रॉग्ली तरंग में का फार्मूला लैम्डा इक्वल टू 150 / V होता है ns तरंग। अब यहाँ पर वी वोल्टेज दे रखा है 150 वोल्ट, वी की जगह 150 रख देंगे हम, 150 / 150 एंगस्ट्रॉम, तो ये 150 से 150 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो सही ऑप्शन हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम होगा। तो इस दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर, जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, अनंत या इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। डायनमो विद्युत चुंबक की प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबक की
चुंबक की प्रेरण, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबक की प्रेरण। पराबैंगनी की किरणों की खोज जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है उसकी को रीटर नामक वैज्ञानिक ने की थी, या रीटर रीटर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। विद्युत चुंबक की तरंग, विद्युत चुंबक की तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अल्ट्रावायलेट की डिस्कवरी रीटर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ध्यान रखना। आकाश के नीले दिखाई देने का कारण, इसका कारण होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। श्वेत प्रकाश पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण होता है, इसका कारण होता है व्यतिकरण, व्यतिकरण, इसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। नॉट गेट को, नॉट गेट को उत्क्रम, या इंग्लिश में बोलते इसको इनवर्टेड, इनवर्टेड गेट भी कहते हैं। तो यहाँ जाएगा इनवर्टेड, इनवर्टेड गेट। तो नॉट गेट को इनवर्टेड गेट भी कहते हैं, इनवर्टेड गेट। तो ये हमारे पास इसके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपसे रिक्त स्थान हो गए, हम सही जोड़ी बनाएंगे। और विद्युत शक्ति पावर, पावर का जो फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है, ये हमारे पास अ वाला है आई स्क्वायर आर पावर। प्रेरक प्रतिभा इंडक्शन का जो फार्मूला होता है ओमेगा एल होता है, ये ब हो जाएगा। बूस्टर का नियम पोलराइजेशन से रिलेटेड है, ये स वाला हो जाएगा पोलराइजेशन से। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, ये न्यूटन वाला आ जाएगा। विद्युत चुंबक की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा क्वांटम प्रकृति स्पष्ट करते हैं, कि हमारे पास ई वाला हो जाएगा ई। जेनरेटर वोल्टेज नियमन का कार्य करता है, रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। और चल कुंडली धारा मापी जो होता है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ये ग वाला। इस तरह से ये हमारे पास सही ऑप्शन हो। पावर का आईश्वरा जैसे मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओमेगा एल, ओमेगा एल, बूस्टर्स ला पोलराइजेशन, कार्कस थ्योरी न्यूटन्स, क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जेनरेटर वोल्टेज रेगुलेटर्स, और ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट का करंट। इस तरह से मैं तो कॉल कंप्लीट कर लेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास में 60 क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एक अपान क्यू, इसका मात्रक क्या जाएगा, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। दो ओम और दो ओम तीन ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ये दो ओम और तीन ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुमको पता है सही करण का आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है, रिजल्ट है आर इक्वल टू टू प्लस थ्री फाइव, इसका उत्तर कितना आ जाएगा पाँच होगा। तो ये सही करण का सूत्र होता है दोनों दो है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। जाना भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, ये जो होती है 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज। कोहरे में दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोहरे में देखने के लिए हम आवृत्त इंफ्रारेड, ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ध्यान रखना। 50 हर्ट्ज आवृत्त मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब आवृत्त विकिरण का उपयोग करेगा, आवृत्त विकिरण का उपयोग किया जाता है आई रेडिएशन जिसको कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम हमने पढ़ा था, म्यू इक्वल टू साइन आर का साइन आर होता है, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। और सिलिकॉन अर्धचालक में पीएनसी डायोड का प्राचीर हो पोटेंशियल बैरियर, ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7
पॉइंट, 0.7 पॉइंट होता है। और यदि जर्मेनियम के लिए आता तो 0.3 का गया, 0.2, और एवरेज आता तो 0.5 पॉइंट होता है। तीनों क्वेश्चन याद रखना, ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, और एवरेज यदि पूछते हैं कि पीएन सर्जी टाइप का एवरेज प्राची विभव या औसत विभव कितना होता है तो 0.5 वोल्ट होगा। तो इस तरह से ये एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले कार्यों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती है। आपने देखा होगा जो ट्रक होता है, ट्रक के सामने वाला जो हिस्सा होता है उसमें टायर के आगे जो बॉडी होती है उसकी इस प्रकार से जंजीरें लटकी रहती है सामने वाले फ्रंट के ऊपर। ऐसा क्यों किया जाता है, कारण बताओ। इसका कारण ये है कि जब वो गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, तो उसका जो पहिया होता है वो पहिया सड़क के ऊपर रगड़ाता है, मतलब घूमता है। उस घूमने के कारण से वो जो पहिया होता है उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है कि जब भी ट्रक या जो गाड़ी ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं तो वो जो पहिया होता है, वो पहिया सड़क के ऊपर घूमने के कारण से उनके बीच जो फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण से उस पहिए के ऊपर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वो आवेश होता है बॉडी के माध्यम से विस्फोटक पदार्थ तक पहुँच सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि जो बॉडी जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो जो छड़े लटकी होती है या कह सकते चेने जो लटकी होती है, उस चेन के माध्यम से वो पृथ्वी तल में वो चार्ज चला जाता है, जिससे विस्फोट होने से बच जाता है। इसलिए वो जंजीरें होती है वो विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक या गाड़ियों के आगे वो लगी होती है। तो इसका कारण ये लिखना है कि जो विस्फोटक पदार्थ जो ले जाने वाली गाड़ियाँ होती है उसके आगे जंजीरें लटकी होती है। इसका कारण ये है कि जब गाड़ी चलती है तो उसके जो टायर होते हैं वो जो रबर के होते हैं, वो चालक होते हैं, तो वो आवेशित हो जाते हैं, चार्ज उत्पन्न होता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो आवेश जो होता है वो छड़ के माध्यम से या उन कह सकते हैं आप चेन के माध्यम से वो आवेश होता है प्रतिबिंब चले जाता है, जिससे विस्फोट होने से बच जाता है। सेकंड क्वेश्चन से धारिता का एसआई मात्रा को परिभाषित कीजिए। देखो धारिता जो होती है सी इक्वल टू क्यू बटे वी होती है, ये मैंने फार्मूला पढ़ रखा कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू बाय। तो इसकी जो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड यानी धारिता मात्रक क्या होता है, फैराड। अब इसके डेफिनेशन पूछिए तो एक फैराड किसको कहेंगे, धारिता का ऐसा मात्रक की परिभाषा पूछा है, यानी धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है, फैराड। तो एक फैराड किसको कहेंगे, यदि किसी चालक को मानो कि कंडक्टर है उसको हमने एक कूलम आवेश दिया, एक कूलम आवेश दिया किसी चालक को, 1 क्यू दिया, तो उसका वोल्टेज यदि 1 वोल्ट बढ़ जाता है, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो उस चालक की धारिता को 1 फैराड कहते हैं। तो 1 क्यू अपॉन 1 फैराड, यानी किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि मान लो 1 कूलम आवेश उसको हमने गिवन किया दिया है और उसका वोल्ट कितना इंक्रीज हो गया, 1 वोल्ट, उसका कितना वोल्टेज बढ़ गया, 1 वोल्ट। 1 कूलम आवेश देने पर उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो उसके धारिता को 1 फैराड कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर, 1 कूलम आवेश देने पर यदि उस चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता को हम 1 फैराड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसका हेडलाइट कुछ धीम हो जाता है, धीमा होता है। ये हमने देखा है कि जब भी मोटर गाड़ी या मोटरसाइकिल हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के समय उसका जो स्टार्टर होता है वो ज़्यादा धारा लेता है, करंट ज़्यादा लेता है सप्लाई स्टार्ट करने के लिए। तो उस समय जब करंट ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है इक्वल टू वी माइनस आईआर, ये विभव का सूत्र, वोल्टेज का सूत्र होता है कि जब हम किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी विद्युत धारा होती है वो उस समय ज़्यादा ले जाती है। जब विद्युत धारा का मान ज़्यादा लेंगे तो ये जो राशि होगी ये इसमें से माइनस हो जाएगी, ये घट जाएगी, तो जो वोल्टेज होता है वो कम, इसलिए वोल्टेज कम होने से उसकी लाइट क्या होती है, डिम। तो लिखना क्या है कि जब भी किसी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं
तो जो उसका स्टार्टर होता है शुरू में ज़्यादा धारा देता है, जिससे उसका वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, पतन हो जाता है, कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है? आई आर की कमी हो जाती है। इतना वोल्टेज का घट जाएगा, वोल्टेज इसमें से घटा ये मान भी क्या गया, कम हो जाएगा। ये जो वोल्टेज का मान कम होने से क्या हो, लाइट डिम हो जाती है। इस प्रकार से हम देखेंगे जब भी किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर के द्वारा अधिक धारा ली जाती है, और अधिक धारा लेने के कारण से उसका वोल्टेज कुछ कम हो जाता है, और वोल्टेज के कम होने से उसकी लाइट भी डिम या मंद हो जाती है। नेक्स्ट है अनओमिक प्रतिरोध क्या, इसका एक उदाहरण है। अनओमिक का मतलब ये होता है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उस प्रतिरोध को हम अनओमिक प्रतिरोध कहते हैं, पालन नहीं करता है। तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उसको हम अनओमिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका एक उदाहरण दीजिए, तो जितने भी अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास डायोड है, ट्रांजिस्टर है, और जो भी हमारे पास ट्रायड है, जो भी अर्धचालक होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो उदाहरण हम लिख सकते हैं डायोड लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं, ये इसके उदाहरण कर सकते हैं ट्रांजिस्टर। तो अनओमिक प्रतिरोध किसको कहेंगे, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी कहने पर जो ग्राफ की जो सरल रेखा नहीं आती, इस तरह से ग्राफ सीधी सरल रेखा नहीं आती, तो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ग्राफ इस तरह से आ रहे हैं, तो प्रतिरोध को अनओमिक प्रतिरोध कहते हैं। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को त्वरित किया जा सकता है? देखो साइक्लोट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल, धन आवेश कण, इसको त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है, जिसकी सहायता से जो धन आवेश कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको ही त्वरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को या न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कारण वही लिखेंगे कि इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आवेश त्वरित नहीं कर सकते, उसको वेग को बढ़ा नहीं सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी मैंने इसका वीडियो बना रखा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है, ये हमारे पास तर्जनी इसको हम और मध्यमा और अंगूठा, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा बाय लेफ्ट हैंड रूल का। जो तर्जनी होती है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। मध्यमा होता है ये धारा की दिशा या धन आवेश कण की दिशा, धारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसी दिशा में धन आवेश होता है, धन आवेश या धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। और अंगूठा जो होता है वो फोर्स की या बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास फादर, मदर और चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, और चाइल्ड मतलब करंट। तो फोर्स जैसे फादर, मध्यमा ये करंट, और ये हमारे पास क्या रहेगी मदर, फादर मदर और चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स को प्रदर्शित करेगा, बल को प्रदर्शित करेगा, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको हम मध्यमा बोलते हैं। तो अंगूठा फोर्स बल को, फादर को मध्यमा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो होता है करंट की डायरेक्शन या धन आवेश कण की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी परस्पर लंबवत होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन होती है। स्वप्रेरण अनियमित प्रेरण का अंतर, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। स्वप्रेरण का मतलब जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी कुंडली, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं तो पास की किसी अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसको हम अनियमित प्रेरण कहते हैं।
स्वप्रेरण में क्या होगा, उसी कुंडली में प्रेरित धारा होगा, उसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होगा, पास होकर किसी अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरणा। तो दोनों की डेफिनेशन समझ आना चाहिए कि जब भी किसी कुंडली से बढ़ते चुंबकीय प्रत्यय में परिवर्तन करेंगे तो ही, यदि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो उसको हम स्वप्रेरण कहेंगे, पास होकर किसी अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दूसरा अंतर है कि स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियाँ होती है, इसमें एक कुंडली होती है इसमें दो कुंडली होती है। विद्युत परिपथ को तोड़ने पर चिंगारी निकलती है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई स्विच को एकदम से चालू करते या बंद करते तो उसमें चिंगारी निकलती, क्यों, क्योंकि जब हम एकदम से चालू करते तो चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब भी हम एकदम से चालू करें बटन को तो पहले जीरो था और एकदम से करंट फ्लो होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब भी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, हमने पढ़ा। जब भी चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे जितना अधिक परिवर्तन होगा उतनी अधिक प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न होगी, जो कि क्या करती है, उसका विरोध करती है और उस विरोध के कारण ही चिंगारी उत्पन्न होती है। जैसे करंट फ्लो हो रहा और हमने एकदम से लाइट को बंद कर दिया तो जो करंट जा रहा था वापस रिटर्न हो गया, आने वाले और जाने वाले पार्टिकल्स का आपस में इलेक्ट्रॉन टकराए जिसके कारण से चिंगारी उत्पन्न होती है। तो चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स मान में एकदम से परिवर्तन और एकदम से यानी अचानक परिवर्तन होने के कारण से जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो भी ज़्यादा होगी, और प्रेरित धारा ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण से ही वो चिंगारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वायु का बुलबुला जल के भीतर किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ये वायु का बुलबुला होता है तो जल के भीतर अवकल लेंस की तरह व्यवहार, ये चीज याद रखना, वायु का जो बुलबुला होता है जल के अंदर वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस वायु का बुलबुला सामान्य तो उभरा हुआ होता है, लेकिन वही बुलबुला यदि पानी के अंदर बनता है, मान लो पानी के अंदर वायु का बुलबुला होता है तो उसके अंदर यदि बनता है तो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। और क्यों करता है, इसका कारण आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी मान लो कि जैसे पानी का बुलबुला वो वायु का बुलबुला पानी के अंदर बनता है, यानी पानी का अपवर्तनांक जो होता है जल का अपवर्तनांक वो वायु के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है पानी का वायु की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब कम वाला अपवर्तन वाला कोई भी मीडियम है माध्यम वो यदि ज़्यादा वाले अपवर्तन वाले माध्यम में यदि चला जाता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, पानी का बुलबुला उत्तल होता है, ऐसा उभरा होता है, क्या बुलबुला ऐसा उत्तल होता है, ये उत्तल लेंस की तरफ होता है। लेकिन ये यदि बुलबुला वायु पानी का बुलबुला यदि वायु के अंदर पानी का बुलबुला बनता है उस कंडीशंस में वो अवतल हो जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, क्योंकि जो माध्यम होता है जल उसका अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है, और जब अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम यदि किसी कम अपवर्तनांक माध्यम में होता है तो उसकी प्रकृति जो होती है बदल जाती है। हालांकि उत्तल लेंस होता है लेकिन प्रकृति बदलने के कारण उत्तल वाला क्या करता है, वो अवतल की तरह कार्य करता है। लेंस के लिए संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए। अब संयुग्मी फोकस क्या होता है कि ये लेंस में दो स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि यदि एक बिंदु पर यदि किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर पड़ता है। मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं का जोड़ा, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं का जोड़ा जिसमें यदि एक बिंदु पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, जैसे मान लो कि ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे एक वस्तु रखी और ये मान लो एक दूसरी पीर है, यहाँ से यदि यह लेंस लगा, यदि इस लेंस इस वस्तु को देखते हैं इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर लगता है, यदि इधर से हम देखते हैं तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु का जोड़ा जिसमें यदि एक बिंदु पर यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, दूसरी वस्तु के ऊपर बनता है, और यदि इधर से देखते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वस्तु पर बनता है, यानी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी वस्तु पर बनता है और दूसरे वस्तु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहली वस्तु पर बनता है। यदि ऐसा प्रतिबिंब बनता है तो ये जो पॉइंट यहाँ पे रखे दो बिंदु
इन बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं का जोड़ा जिसमें यदि एक बिंदु पर यदि हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरी वस्तु के ऊपर बनता है और दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब होता है पहली वस्तु पर बनता है। तो ऐसे जोड़े को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। यानी सीधी बात है, एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब पहली वस्तु बनता है। तो ऐसे दो बिंदुओं को हम संयुग्मी या कॉन्जुगेट फोकस कहते हैं। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? तो इसमें हमने एक वैज्ञानिक को कॉल रखा है, रेले नाम के वैज्ञानिक है। इसने बताया कि जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन इसको आई को बोलते हैं, प्रकीर्णन स्केटिंग फैलना जिसको हम बोलते हैं, फैल जाए करता है, ये तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की विकर्ण प्राप्ति होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा क्या तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रेले की कसौटी है, रेले का सूत्र कह रहा है आय समानुपाती एक बटे लैम्ब्डा की घात चार। इसका मतलब ये हुआ कि जो खतरे का सिग्नल लाल लाल जो होता है बेजानी हापी नाला बेजानी हापी नाला ये लाल रंग होता है सबसे आखिरी मात्र लाल। तो लाल की जो तरंगेरी है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है सबसे अधिक होती है। अब सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है तो उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा कम होगा क्योंकि विकर्णपाती तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णन। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य अधिक होने से उसका प्रकीर्णन क्या होता है कम होता है, प्रकीर्णन कम मतलब वो कम फैलता है। प्रकीर्णन का मतलब था फैलना, टकरा के फैल जाए तो उसको प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इसका कारण क्या लिखना है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है इसलिए रेले के अनुसार उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, स्केटिंग सबसे कम होगी उसकी। और जब स्केटिंग कम फैलेगा क्या होगा अधिक दूरी तक दिखाई देगा, अधिक दूरी तक जाएगा वो, इसलिए लाल रंग का उपयोग हम सिग्नल के रूप में करते हैं। प्रकाश का व्यतिक्रम विवर्तन में अंतर, तो व्यतिक्रम और विवर्तन इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। व्यतिक्रम में क्या होता है कि जो फ्रिंज की जो तीव्रता होती है वो सभी फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है समान होती है, कितनी डीप तक फ्रिंज होती है उनकी जब की तीव्रता क्या होती है समान तीव्रता होती है। या जितनी अधिक तो होगी काली होगी उनकी भी तीव्रता सब काली एक जैसी होगी और जो ब्राइटनेस चमकीली होगी वो भी एक जैसी होगी। तो पहला पॉइंट ये लिखना कि सभी दीप्त बिंदु की तीव्रता समान होती है और इसमें जो होती है वो असमान होती है, इसमें फ्रिंजें नहीं होती, इसमें क्या होते हैं उच्चिष्ट की तीव्रता समान नहीं होती। पहला अंतर यह है कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक जैसी होती है, फ्रिंज मतलब लाइनें दिखाई देती उनकी तीव्रता एक जैसी होती है, इसमें उच्चिष्ट बनते हैं इसकी तीव्रता एक समान नहीं होगी। दूसरा ये लिखना कि जितने भी दीप्त और अधिक फ्रिंज उनकी चौड़ाई समान और इसमें उच्चिष्ट की चौड़ाई समान नहीं होती है। ये दोनों में अंतर दो पॉइंट लिखना, क्या सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, सभी उच्चिष्टों की तीव्रता एक समान नहीं होती है, सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई एक जैसी होती है, सभी उच्चिष्ट की चौड़ाई एक समान नहीं होती है, इनकी संख्या अधिक होती है फ्रिंजों की और उच्चिष्टों की संख्या कम होती है। ये भी इसमें लिख सकते हैं, फ्रिंजों की संख्या इसमें अधिक होती है, इसमें उच्चिष्टों की संख्या कम होती है। तो इस तरह से दोनों में आंसर देते हैं। 11वां क्वेश्चन से बी बहुत की तरंग दैर्ध्य दैनिक जीवन दृष्टिगोचर नहीं होता क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में अपने को तरंग दिखाई नहीं देती, जब हम चलते हैं तो हमारे पीछे कोई तरंग नहीं बनती, इसका क्या कारण? तो डी ब्रॉगली का सूत्र हमने पढ़ा था कि लैम्ब्डा समानुपाती एक बटे एम होता, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता और पी बराबर एम भी होता, इस सूत्र हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली समीकरण।
लॉगी का समीकरण लेमड़ा इक्वल टू एच अपान पी, और पी मोमेंटम होता समय होता, समय का सूत्र होता एम वी द्रव्यमान से लिखते हैं। तो तरंग घेरी द्रव्यमान की क्या होती है व्युत्क्रम पाती, तरंग घेरी क्या होती है द्रव्यमान के व्युत्क्रम पाती। तो व्यवहार में जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे हम हमारा द्रव्यमान अधिक होता है, मास ज्यादा होता है, तो द्रव्यमान अधिक होने के कारण से उसकी तरंग घेरी जो होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल, तो अपने को दिखाई नहीं देगी, विजिबल नहीं होती है। तो तरंग घेरे मतलब इस तरह से ये जो बनता है एक चक्र, इसको तरंग घेरे होते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो जब ये द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो लेमड़ा होगा ये एक चक्कर होगा इसका पूरा, यहाँ से गए और यहाँ तक चले, ये जो डिस्टेंस होगी दूरी इसको हम तरंग घेरे होते, ये बहुत छोटी होगी, ये अपने दिखाई नहीं देती। तो इसका कारण ये होना है कि व्यवहार में जो वस्तुएं होती है उनका द्रव्यमान अधिक होता है, और द्रव्यमान अधिक होने से उसकी तरंग घेरी बहुत कम होती है। इसके अनुसार डे ब्रॉगली के समीकरण के अनुसार उसकी तरंग घेरी बहुत कम होती है, इसलिए तरंग घेरी जब छोटी होगी तो अपने दिखाई नहीं देती है। फिर अगला क्वेश्चन से हमारे पास निरोधी भोग या संस्कृत विभोग को परिभाषित कीजिए। तो निरोधी विभोग का मतलब ये होता है कि एनोड के उस ऋणात्मक विभव को या ऋणात्मक वोल्टेज को जिसके संगत विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। एनोड के उस ऋणात्मक विभव को डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि एनोड के उस ऋणात्मक विभव को जिसके संगत विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उस विभव को हम निरोधी विभव या संस्कृत विभव या पोटेंशियल कटऑफ पोटेंशियल कहते हैं। उस ऋणात्मक विभव को जिसके संगत विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे निरोधी विभव या संस्कृत विभव कहते हैं। अब इसमें नॉट गेट के बारे में दे रखा है, इसका इनपुट सिग्नल दे रखा है 1 0 1 0 1। अब ये क्या करता है उल्टा कर देता है, तो निर्गत कितना मिलेगा, निर्गत मतलब आउटपुट, ये इनपुट है तो आउटपुट अपने को कितना मिलेगा। तो नॉट गेट के बारे में आपको पता है कि हमेशा सिग्नल को उल्टा उल्टा, तो यदि 1 दिया ये 1 आया शुरू में तो 0 मिल जाएगा, 0 दिया तो 1 मिलेगा, 1 दिया तो 0 मिलेगा, 0 दिया तो 1 मिलेगा और 0 0। तो यहाँ जो 1 लिखा उसके स्थान पर 0 लिखना, और जहाँ 0 लिखा उसके स्थान पर 1 लिखना, ये इसका आउटपुट सिग्नल या निर्गत सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। पी प्रकार करना चाहते हैं धारा प्रवाह प्रक्रिया समझ। अब जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है बनता कैसा होता है पहला होना चाहिए कि जो हमारे पास शुद्ध अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं जिसकी संयोजकता चार होती है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम है सिलिकॉन है, इसको हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। जब इस शुद्ध अर्धचालक में हम तीन संयोजक जिसकी संयोजकता तीन होती है ऐसे तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, मान लो एल्यूमिनियम हमारे पास इसकी संयोजकता तीन है, इसको हमने मिला दिया इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम इसमें मिला दिया, तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उस अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक किसको कहेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, तीन संयोजी मतलब एल्यूमिनियम है बोरान है इंडियम ये वाला तत्व, इसकी संयोजकता तीन होती, चार शुद्ध वाला उसमें हम ये अशुद्धि मिलाएंगे तीन तत्व की जिसकी संयोजकता तीन होती उसको मिलाए, तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उस अर्धचालक को हम क्या कहेंगे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब मान लो इसमें सिलिकॉन मिला दिया, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती चार होती, सिलिकॉन इसकी संयोजकता चार होती, तो चार क्या करेगा ये चार, लेकिन एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन तीन ही है, तो एक जगह इसकी खाली हो जाएगी, मान लो ये खाली जगह हो गया, तीन तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के और तीन इलेक्ट्रॉन इससे सरसरी मत बना रहे, एक एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम इसको दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, एक एक तीनों को दे दिया। अब एल्यूमिनियम के पास एक जगह खाली होगी, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के पास चार होते हैं और एल्यूमिनियम के पास तो क्या तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो एक जगह जो खाली हो जाती है जब बंध नहीं बनाते सरसरी मत नहीं बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक सहसंयोजक बनता है, अपने पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास केवल तीन इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन,
तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी हो जाती है और इस कमी को ही हम क्या नाम दिया है, होल नाम दिया। और इस होल के कारण ही पी प्रकार का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें पूछा कि पी प्रकार धारा प्रवाह की प्रक्रिया को समझें, तो धारा प्रवाह होल के कारण से इसमें प्रवाहित है। क्यों? क्योंकि होल एक जगह खाली होती है, उसकी पूर्ति करने के पास वाला इलेक्ट्रॉन आता है तो वहाँ जगह खाली हो जाती है। तो इस प्रकार से होल की गति के कारण से इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक पता होना चाहिए कि जब शुद्ध अर्धचालक में हम तीन संयोजित तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और इसमें एक होल फ्री होता है जो किसी के साथ बंधन नहीं बनाता है और उसके कारण ये धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव या पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विभवमापी और वोल्टमीटर में कोई तीन अंतर? इसका वीडियो मैंने बना रखा है, इसकी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप जरूर देखें। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध में अंतर, इसका वीडियो मैंने बना रखा है। मीटर सेतु सहायता से तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, इसका मैंने वीडियो बना रखा है। सारे में जो क्वेश्चन बच गए इनके मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि यदि ये वीडियो ये क्वेश्चन यदि समझाने जाएंगे तो वीडियो जो है वो 2 से 2.5 घंटे का बन जाएगा, इसलिए मैं इनके सारे लिंक में डाल दूंगा इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में। और विभव मापी की सहायता दो से एक तुलना कीजिए, इसका वीडियो बना हुआ है। वायु सावर्त का नियम, इसका वीडियो बना हुआ है। वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो मैं सारे लिंक में आपको सारे वीडियो इसकी क्वेश्चन की लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन जो है, एक लेंस की क्षमता क्षमता पावर दे रही है, पावर होता है 1/f, ये मीटर है, और यदि इसको हम सेंटीमीटर में रखें तो 100/f सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ये इसका फार्मूला होता है P=1/f, P मतलब पावर क्षमता, 1/f मीटर में होती। तो अपने को क्षमता दे रखी 2.5 डायरेक्ट है, तो यहाँ से एक का मान निकालो, एक इक्वल टू हो जाएगा 100/p, तो P का मान दे रखा है 2.5 माइनस 2.5, तो 100 + 2.5 माइनस, ये 0 हटा देना, 25 × 100, तो A बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, ये इसका मान आ जाएगा। फोकल दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर। इसकी प्रकृति पूछी गई, प्रकृति मतलब कि फोकल दूरी माइनस में भी आती है तो वो अवतल लेंस होता है, क्या नाम एफ का मान यदि माइनस में आता तो अवतल लेंस, और एफ का मान यदि प्लस में आता तो उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल और अवतल अपने को पता ना, ये कैसे पता लगाते, एफ से पता लगा, एफ मतलब फोकल दूरी, फोकल दूरी यदि माइनस में आ जाती है तो अवतल लेंस कहलाता है, और यदि फोकल दूरी प्लस में आती है तो उत्तल लेंस कहलाता है। तो प्रकृति कैसी होगी, अवतल होगी, और फोकल दूरी कितनी होगी तो -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वायु के कांच का पतनांक 3.3/2 है, ये क्वेश्चन नंबर 16, इसका आठवां वाला देखो क्या है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध हमने पढ़ रखा है, μ = होता है 1/sin c, ये सूत्र होता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। तो म्यू का मान हमारे पास दे रहा था 3/2, और तो 3/2 बराबर 1/sin c, यहाँ से साइन सी का मान निकालो, साइन सी बराबर हो जाएगा 2/3 उल्टा हो जाएगा, और 2/3 साइन सी पहला 42 डिग्री का मान दे रखा 2/3, ये 2/3 किसका मान है, साइन 42 का, तो 2/3 की जगह साइन 42 लिखते हैं, साइन 42 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल, तो सी बराबर कितना आएगा 42 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो 42 डिग्री होगा। तो ये सूत्र याद रखो, म्यू बराबर 1/sin c, और साइन सी सी की जगह क्या, इसका म्यू का मान रहेगा 3/2, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और साइन सी को इधर ले आना, इसको नीचे ले आना, तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 का मान रहेगा 42, 2/3 की जगह 42 रखा है, साइन सी से साइन से साइन कैंसिल, और सी इक्वल टू 42 डिग्री, क्रांतिक कोण 42। डिस्ट कार्य किसे कहते हैं, इसका मैंने वीडियो बना रखा पूरा, और एंड गेट नॉट गेट ये पूरा लॉजिक गेट का मैंने वीडियो बना रखा है, मैं सारी लिंक इसमें डाल दूंगा, आप अवश्य देखें ताकि पूरा पेपर आपके पास सॉल्व हो जाए। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा,
एलसीआर सर्किट इसका मैंने वीडियो बना रखा है एंड लास्ट में दो परिणाली का है और इसका लिमिट करंट इसका मैंने वीडियो बना रखा है। देखिए सारे वीडियो में इस वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगा ताकि पूरा पेपर तुम सॉल्व कर सकें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।